नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर रिपेयर होने के लिए आई है, ठीक है, जो कि देख सकते हैं ये जाम है, एकदम जाम है। तो इसमें इसे हमें फ्री करना पड़ेगा खोल के, और देखते हैं इसका कपड़ा अगर कटा हुआ है तो, अगर वैसा होगा तो वो भी हम रिप्लेस करेंगे। तो आइए, इससे पहले मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने सप्लाई दे दी है, लाइट ऑन हो गई है। ये देखिए, मैं इसको चालू करता हूँ। ये वाइब्रेशन मार रही है, आपको शायद कैमरे पे नहीं पता चलेगा। ये देखिए, मैं चालू किया, ये नहीं घूम रही है। तो आइए हम इसे ओपन कैसे करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले ये इसका कपलर है, ये वाला, इसे हमें ओपन करना है। इसे ओपन करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, इसे इस तरीके से पुश करेंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका फ्लावर, इसे बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। इसे हमें हैंडी को पकड़ के, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से घुमाना है, जैसे आप नट टाइट करते हैं इस तरीके से। ये देखिए खुल रहे, ये खुल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसको कवर को निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसके स्क्रूज लगे रहते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, एक साइड ये, एक साइड यहाँ पे ये डमी लगा हुआ है। इसे आप स्क्रू ड्राइवर के थ्रू निकाल लेंगे डमी को, और आपको स्क्रू दिख जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये निकल चुका है, ये दोनों साइड स्क्रूज है, ठीक है। और इसे हमें जल्दी से खोलते हैं और मोटर को बाहर निकालते हैं। तो आइए इसको, स्क्रू को खोलें हम पहले। ये आप देख सकते हैं कि बॉडी से मैंने इसे निकाल दिया है और ये निकल चुका है। उसके बाद हम इसका आगे की ये जो रॉड असेंबली है इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए ये स्क्रू दिया है यहाँ पर एक ठो, और यहाँ पर एक ठो, ये दोनों स्क्रूज को खोल के हम इसे बाहर निकालते हैं। तो आइए इसे भी जल्दी से खोल के बाहर निकालें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रूज मैंने इसके दोनों निकाल लिए हैं। ये देखिए, इसे हम निकालते हैं फ्लावर को, सॉरी रॉड असेंबली को। ये आप देख सकते हैं मोटर निकल चुका है। मोटर कभी भी आप रिपेयर कर रहे हैं तो जाम की कंडीशन में मोटर को हाथ से घुमा के आप देख लीजिए। ये देखिए, ये घूम रहा है, तो ये फ्री रहना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा कि आप रॉड को तो रिपेयर कर देंगे बट फिर ये जाम हो जाएगा। तो इसमें कभी भी हो हाथ से घुमा के देख लेना चाहिए, हो सके तो हल्का सा ऑयल आप डाल दें, है ना। उसके बाद ये रॉड है मेरे पास, तो आइए इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको आपको प्लायर से इस हिस्से को पकड़ना पड़ेगा ताकि स्लिप मत हो, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर मैंने डाल दिया है, और यहाँ से इसको मैं प्लायर से पकड़ के इसको खोलता हूँ। आइए, ये कपलर मैंने इसका बाहर निकाल दिया है, इसे कपलर कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम प्लायर से पकड़ते हैं क्योंकि जाम में निकल नहीं रहा, तो इसे प्लायर से खींचते हैं अपन धीरे धीरे करके राउंड घुमाते हुए, और इसे बाहर निकाल के इसे इस रॉड असेंबली को क्लीन करते हैं। तो आइए हम इसे जल्दी से निकालें फटाक से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रॉड हमने निकाल ली है इसकी, जिसकी रॉड ना, इसे हम सबसे पहले अंदर एक फाइल डालेंगे, फाइल से इसे साफ़ करेंगे, क्योंकि जितना भी कस्टमर क्या करता है पीसता है कुछ, तो उसका हल्का हल्का लिक्विड अंदर जाने लगता है, ठीक है। तो इसे हम पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल डाल के अंदर डालते हैं। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएँ कैसे होगा। ये देख सकते हैं ये फाइल है मेरे पास, इसके अंदर मैं इसको डाल के ऊपर नीचे पुश कर रहा हूँ। ये देखिए हल्की हल्की, आपको शायद कैमरे में ना समझ में आ रहा हो, बट हल्की हल्की क्लीन हुई है। इसे दो तीन बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रॉड है मेन जो घूमती है अंदर में, जिसमें ब्लेड फंसती है, इसे हम एमरी पेपर से क्लीन करेंगे, ठीक है। इसे क्लीन करने के बाद इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इस रॉड असेंबली में अंदर डालेंगे। तो आइए इसे क्लीन करके अंदर डालें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑयल ऑयल डाल के मैंने इसको, ये देखिए ये फ्री है, अब ये फ्री घूम रहे हैं।
ये देखिए आपको दिखता होगा ये, ठीक है। तो ये फ्री हो चुका है। अब आइए जल्दी से इसका ये कपलर हम लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसे इस मोटर पे दो नट पे फिट करते हैं। तो आइए जल्दी से इसे हम फिट करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इस पर नट वट लगा के टाइट कर दिया है। अब इसे हम बॉडी पे डालते हैं, इस पर अंदर। और इसे डालने का तरीका कभी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बॉडी पे दो स्क्रूज़ के लिए होल्स दिए गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस मोटर पे भी आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये देखिए एक साइड कट है, ये दूसरे साइड भी कट है। तो ये दोनों कट वाले हिस्से में ये स्क्रूज वाले पोर्शन जाएंगे और बाकी ये बॉडी ऐसा जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डलेगी ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर में इस पर डाल रहा हूँ, इसके देखिए कटिंग वाला हिस्सा है ये स्क्रू ड्राइवर साइड है। और ये देखिए ये इसलिए अंदर चले गई उसी खांचे पर, ठीक है। अब आइए जल्दी से इसकी हम ये ऊपर की वो टॉप कैप लगाते हैं और इसे स्क्रूज लगा के चेक करते हैं, आइए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको मैंने फिट कर लिया है, स्क्रूज को प्रॉपरली, ठीक है। तो आइए इसे हम जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं कि ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए इसे मैंने दबाया, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो ये, तो ये हमने बना लिया है और ये सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। तो आइए इसका हम फ्लावर लगाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर लगाते समय ध्यान ये रखिएगा कि फ्लावर को लगाने का तरीका, जैसे हम स्क्रू को खोलते हैं, मतलब इस तरीके से हम स्क्रू को खोलते हैं, तो हमें फ्लावर भी वैसे ही लगाना है ऐसा करके। और इसको खोलने का तरीका, स्क्रूज को जैसे हम टाइट करते हैं, ठीक है, तो हम इसे जैसे टाइट करेंगे तो ये खुलेगा, और इसे हम लूज करेंगे तो ये लगेगा। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जैसे हम लगाते हैं, ये देखिए स्क्रूज को जैसे खोलते हैं, ये टाइट हो चुका है। उसके बाद ब्लेड लगाए नहीं, तो ब्लेड लगाते समय ध्यान ये रखिएगा कि इसके दो लॉक्स रहते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉक्स को लगाने के लिए ब्लेंडर पे भी देखिए दो साइड कट लगा हुआ है, तो इन लॉक्स को उस कट में बैठाना है आपको, ये देख सकते हैं, और इसको जो होता पुश कर देना, ये टिक करके आवाज आएगी, ये देखिए लॉक हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।